आप ललन सिंह तो ऐसे ही अलूल जलूल बातें करते रहते हैं, वो लोग गलत उपदेश देते हैं, केवल गलत उपदेश देते हैं, करनी कुछ नहीं है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त बीजेपी के विधायक हैं जयप्रकाश यादव। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो है लोकसभा संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, आरजेडी और जदयू के लोग विरोध कर रहे हैं आप लोगों का, कह रहे हैं कि संविधान का आप लोग उल्लंघन कर रहे हैं और राष्ट्रपति का मर्यादा का आप लोग अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो यहाँ की सरकार के, नीतीश जी की सरकार के और इस महागठबंधन की जो सरकार है, ये तो दोहरी नीति अपनाती है। आप देखिए बिहार में जो भी उद्घाटन हुआ, विधानसभा का जो न्यू भवन बना, विस्तारित भवन जो है अभी, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्वयं किए हैं। इसके पूर्व भी जो विधानसभा का भवन बना था, परिषद का भवन बना था, एनएक्सी भवन बना था, सारे का उद्घाटन तो उस वक्त के वर्तमान मुख्यमंत्री ने किया है। कहाँ प्रधान राष्ट्रपति के द्वारा करवाया गया, कहाँ गवर्नर के द्वारा करवाया गया। आज इस जो बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर कि कोविंद साहब आप महादलित परिवार के ही यहाँ गवर्नर थे और बाद में राष्ट्रपति भी बने, आरजेडी और जदयू के तमाम नेता लोग कह रहे हैं कि बहिष्कार करेंगे संसद भवन का, आप लोग गलत कर रहे हैं। बिल्कुल वो लोग गलत कर रहे हैं जो न्यायिक बात है, जो हमारी परंपरा है, संसदीय लोकतंत्र है, उसका वे लोग अपमान कर रहे हैं। संसदीय लोकतंत्र में हर जगह प्रधानमंत्री करते हैं अनावरण, करते हैं उद्घाटन, करते हैं। आप इसके पहले देखिए ना, मणिपुर विधानसभा की बात आप लीजिए, मणिपुर में सोनिया गांधी जा करके UPA की चेयरमैनशिप के दायित्व में उन्होंने की, वो कहाँ कोई संवैधानिक दायित्व है, कोई संवैधानिक पद है। तो हर जगह तो वे लोग दोहरी नीति अपनाते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या अभी वर्तमान में महागठबंधन की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, सारे के सारे लोग दोहरी नीति अपनाते हैं। वो केवल उपदेश देते हैं लेकिन वो करते उसके विपरीत हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं आप लोग पे कि पूरा देश तो बेच दिए, अब संविधान भी बेचने चले हैं आप लोग। आप ललन सिंह तो ऐसे ही अलूल जलूल बातें करते रहते हैं। आप देख रहे हैं लोकतंत्र हमारा इतना मजबूत है और इस लोकतंत्र की दुहाई विदेशों में लोग देते हैं। भारतीय लोकतंत्र को, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को कहा जाता है, वो देखें खुद पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री क्या कहे हैं भारतीय लोकतंत्र के बारे में। ललन सिंह कह रहे हैं कि दलित समाज का आप लोग। बिल्कुल नहीं, हम लोगों तो दलित को ही महत्व दिया और एक दलित समाज की महिला व्यक्ति को जो हम लोगों ने राष्ट्रपति बनाया, हम लोग सम्मान देते हैं, हर दलित का सम्मान है। यहाँ तो सबका साथ है, सबका विकास है और सबका सम्मान है, सबका विश्वास है इस पार्टी के साथ, यही तो है। इन लोगों की दोहरी नीति चल रही है, जहाँ इनकी बारी आएगी वहाँ ये वही काम करेंगे, लेकिन उपदेश देंगे कि आपने ऐसा नहीं किया। आप देखिए कहाँ किस जगह पर इन्होंने ला करके राष्ट्रपति को बिठाया और किस जगह पर इन्होंने गवर्नर से करवाया। ये तो संसदीय परंपरा है, प्रधानमंत्री करते हैं, ये कहाँ गलत है, ये लोगों की सोच गलत है, यही तो कह रहे हैं कि आप लोग जो है पूरा देश बेचने के लिए लगे हुए हैं। ऊपर प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि लोकतंत्र बेचने के लिए तैयार, आप देश भी बेचेंगे। आप लोग लोकसभा संसद भवन का उद्घाटन आखिर प्रधानमंत्री से क्यों करा रहे हैं, जब राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो कराना चाहिए राष्ट्रपति से। वो कह रहे हैं, उन्होंने इस परंपरा को कहाँ स्थापित किया, इसके पहले तो वही थे शासन में और जब भी शासन में रहे हैं तो यही उल्टा पुल्टा काम हुआ। कहाँ उन्होंने एग्जाम्पल दे करके तो बतावे कि इस परंपरा को हमने स्थापित किया, कहाँ बताइए, एग्जाम्पल बताइए। हर जगह आप देख रहे हैं कि नहीं रहने पर भी छत्तीसगढ़ में राहुल जी जा करके करते हैं, मणिपुर में सोनिया गांधी किए, यहाँ नीतीश जी किए हैं। यहाँ तो हम लोग तो सबका सम्मान दिए, हम लोगों तो गवर्नर विधानसभा के प्रधानमंत्री को वहाँ से बुलवा करके हम लोगों ने यहाँ पर उद्घाटन करवाया था। हमारे जब स्पीकर थे हमारे विजय सिन्हा जी, उस वक्त प्रधानमंत्री को आमंत्रित करके करवाया गया, राष्ट्रपति को भी आमंत्रित करवाया गया। बहुत सारे काम फंक्शन में हम लोग तो बुलाते हैं, लेकिन उन लोगों की परंपरा नहीं रही है, वो लोग गलत उपदेश देते हैं, केवल गलत उपदेश देते हैं, करनी कुछ नहीं है।
तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी के विधायक जयप्रकाश यादव, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और जिस तरीके से लोकसभा संसद भवन को लेकर सियासत लगातार तेज, और ऐसे में इनका दावा है कि जो भी हो रहा है वो परंपरागत तरीके से हो रहा है और अपमान नहीं किया जा रहा है द्रौपदी मुर्मू का। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी ससी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।